बिग बॉस हाउस में कई बार कंटेस्टेंट को डरा हुआ देखा गया। यहां तक कि कई लोगों ने दावा किया कि घर में अजीबोगरीब और डरावनी वारदातें होती हैं। सीजन 13 के कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह ने शो में ही दावा किया था कि उन्होंने घर में कुछ अजीब देखा है। उन्होंने घर में भूतिया शक्ति को महसूस किया है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में विशाल ने एक बार फिर दावा किया है कि बिग बॉस के हाउस में कुछ अजीब जरूर था। उन्होंने कहा कि घर में डरावनी घटनाएं होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि टीवी पर ऐसा क्यों दिखाया गया कि ऐसी चीजें सिर्फ मेरे साथ ही हुई। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा डरावना हुआ था जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। मैं गांव से हूँ, मुझे पता है कि सुपरनेचुरल चीजों का अस्तित्व होता है। मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं। घर में हुई उस वारदात को सिर्फ अकेले मैंने ही नहीं बल्कि पारस छाबड़ा, सिद्धार्थ शुक्ला, आरती सिंह, मधुरमा तुली, असीम रियाज और रश्मि देसाई ने भी महसूस किया था। विशाल ने दावा किया कि शहनाज गिल और उनके भाई शहबाज ने भी कुछ ऐसी डरावनी एक्टिविटी फील की थी। बिग बॉस हाउस में भूतिया एहसास की कहानियां लगभग सभी कंटेस्टेंट ने शेयर की थी। पता नहीं लेकिन क्यों उसका वीडियो टेलीकास्ट नहीं किया गया। डरावनी घटनाओं की शुरुआत हिमांशी खुराना के साथ हुई थी, फिर एक एक कर बाकियों के साथ भी हुई। विशाल से जब पूछा गया कि वो बिग बॉस से अपनी कौन सी यादों को मिटाना चाहेंगे, तो विशाल ने कहा कि वो मधुरिमा के साथ हुई उनकी लड़ाई को बिग बॉस हाउस की यादों से मिटाना चाहेंगे। विशाल आदित्य सिंह ने बिग बॉस 13 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की थी। आपको बता दें कि इससे पहले बिग बॉस का सेटअप लोनावला में तैयार किया जाता था, लेकिन इस बार मुंबई के फिल्म सिटी में इसे बनाया गया था। गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में 18,500 स्क्वायर फीट एरिया में बिग बॉस का घर तैयार किया गया था, जिसे म्यूजियम का रूप दिया गया था। टीवी से जुड़ी गॉसिप को लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं।